हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त सुशांत और आज आप पढ़ने वाले हैं मेरे साथ मैथ्स। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला यूनिट हमारा यहां पे है नंबर सिस्टम, जिसमें चैप्टर है रियल नंबर्स। ये टोटल 8 मार्क्स कंसिस्ट करता है हमारे पूरे 80 नंबर के पेपर में। जो आपका फाइनल ईयर का क्वेश्चन पेपर आएगा वो पूरा टोटल 80 मार्क्स का होगा, जिसमें से 8 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ हमारे पास सेकेंड यूनिट है एलजेब्रा। एलजेब्रा में हमारे पास 2 चैप्टर हैं, पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये टोटल 17 मार्क्स कंसिस्ट करता है। इसके आपको 17 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके क्वेश्चन पेपर में। है 17 मार्क्स, ज़्यादा नहीं है। हम इसको इतने अच्छे से करेंगे, केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक ही हमें रिवाइज हो सकते हैं। और थर्ड हमारे पास आ जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सबसे फन पार्ट वाला चैप्टर। इसमें जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक यूनिट भी बना दिया गया है, एक चैप्टर भी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये टोटल 4 मार्क्स का है। इसमें आपको कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट करने के लिए या इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस, हमारे पास यहाँ पे 4th यूनिट आ जाती है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री पे हमारे पास जो कि जो चैप्टर्स हैं इसमें, वो है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, लाइंस एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, एरिया, सर्कल्स एंड कंस्ट्रक्शंस। ये जो है टोटल हमारा 28 नंबर का है। इसमें सबसे ज़्यादा चैप्टर भी हैं और सबसे ज़्यादा मार्क्स भी। मार्क्स गेनिंग ये है जो यूनिट है आपके क्वेश्चन पेपर में, आपको फाइनल ईयर के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में आएंगे। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, आने वाली प्लेलिस्ट इसी पे आने वाली है। तो गाइस, 5th हमारे पास यूनिट आ जाती है मेंसुरेशन। इसमें 1st चैप्टर जो है वो है एरियाज और 2nd चैप्टर है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ये टोटल 13 मार्क्स का है। इसमें से आपको 13 मार्क्स से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो गाइस, लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें आपको 2 चैप्टर मिलेंगे, स्टैटिस्टिक्स का एक और एक प्रोबेबिलिटी का। ये टोटल 10 मार्क्स का है, जो कि बहुत ईजी चैप्टर है, पता है आप लोग को भी बहुत पसंद है। तो गाइस, इसी के साथ हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, क्लास 9 चैप्टर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले जान लेते हैं नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स वो होते हैं जिसकी मदद से आप किसी भी अरिथमेटिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स और भी बहुत कुछ। इस चैप्टर में आज आप इन्हीं सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें हम शुरुआत से काउंटिंग में पढ़ चुके हैं, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये सारे आपके नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं, जिन्हें हम कैपिटल एन से डिनोटते हैं। सेकेंड है होल नंबर्स। होल नंबर्स वो नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स प्लस जीरो, मतलब कि 0 से लेके 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इन नंबर के सेट को हम होल नंबर्स कहते हैं, जिन्हें हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। थर्ड आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स अगर मैं आपको नंबर लाइन में एक समझाऊं, तो होल नंबर्स जो होते हैं वो ये पार्ट है जो 0 से लेके 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन होते हैं। जो इधर आपके पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स हैं, मतलब कि 1, 2, 3, 4, और इन्हें आप पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स के नाम से जानते हैं या नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। लेकिन इंटीजर्स में क्या होता है, आप नेगेटिव नेचुरल नंबर्स भी देख सकते हैं 0 के इस साइड, जो कि -1, -2, -3 एंड सो ऑन होते हैं। और ये पूरे सेट को नेगेटिव नेचुरल नंबर्स एंड पॉजिटिव नंबर के और 0 को मिला के ये पूरे सेट को हम इंटीजर्स के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं रैशनल नंबर के बारे में। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी एक ऐसा नंबर जिसे आप पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, और जहाँ पे क्यू 0 नहीं होता है। मतलब कि अगर हम देखें, अगर एग्जांपल आपको मैं दूँ, तो 3/4, 2/3 या कुछ भी ऐसा आप बोल दीजिए, ये एक रैशनल नंबर है। हाँ, कोई भी आप नंबर लाइन का इंटीजर भी अगर आप एक उठा के देख लीजिए, जैसे कि केवल 2, तो वो भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि उसके नीचे बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है, जो कि क्यू मतलब उस क्राइटेरिया को सर्टिफाई करता है जहाँ पे पी बाई क्यू में क्यू 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए वो भी एक रेशनल नंबर है। अगर मैं बात करूँ रेशनल नंबर को लाइन पे दिखाने के लिए, आपके एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये एक रेशनल नंबर है और इसे लाइन पे, नंबर लाइन पे प्लॉट करने के बारे में बोला गया होगा आपको। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने नंबर लाइन है, इसमें 0 से 1 एक यूनिट है,
ठीक है, अगर मैं देखूं कि मेरे पास ये जो यूनिट है, मान लिया मेरे पास ये एक टॉफ़ी है, ठीक है, अगर मैंने टॉफ़ी को एक हाफ़ किया तो उसकी इक्वेशन बनेगी 1/2। अगर मैं मैथमेटिकल टर्म में देखता हूँ तो 1/2 बनेगी, लेकिन ये 1/2 नंबर लाइन पे कहाँ हो सकता है? 0 से लेके 1 के बीच में या कहीं पे भी 1/2 होगा, तो वो होगा बिल्कुल सेंटर में। और अगर मैं 1/2 मतलब अगर मैंने टॉफ़ी के 2 टुकड़े किए और एक टुकड़ा लेके उसका भी हाफ़ कर दिया, तो इसका मैथमेटिकल टर्म बनेगा 1/4, जो कि 0 से लेके 1/2 के बीच में किसी जगह पे या किसी पॉइंट पे होना चाहिए, जो होगा यहाँ पे 1/4। कहने का मतलब ये है कि रेशनल नंबर जो होते हैं, अगर आप नंबर लाइन पे देखिए, तो किसी भी 2 इंटीजर्स के बीच में भी होते हैं और ये इन्फिनिट नंबर होते हैं, मतलब किसी भी 2 इंटीजर्स के बीच में इन्फिनिट रेशनल नंबर हो सकते हैं। अब जानते हैं रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर को कंबाइन करने के बाद जो एक सेट बनता है उसे कहा जाता है, मतलब इरेशनल नंबर्स प्लस रेशनल नंबर्स आर कॉल्ड एज रियल नंबर। अब हम देखते हैं कि क्या ये चीज़ बैकवर्ड्स में अप्लाई हो सकता है। जैसे कि इस ग्राफ में आप देख सकते हैं, क्या इंटीजर्स होल नंबर हो सकते हैं? एवरी इंटीजर कैन बी ए होल नंबर, इज इट अ ट्रू और फॉल्स? तो ये फॉल्स है, क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव नेचुरल नंबर्स प्लस पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग 0, लेकिन होल नंबर्स में केवल इंक्लूडिंग 0 पॉजिटिव नेचुरल नंबर होते हैं। इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है कि नहीं, एवरी इंटीजर कैन नॉट बी अ होल नंबर। उसके बाद हम देखते हैं, क्या एवरी होल नंबर कैन बी अ नेचुरल नंबर? जी नहीं, ये भी फॉल्स है, क्योंकि नेचुरल नंबर में केवल 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन होता है और होल नंबर में 0 इंक्लूडेड होता है। इसलिए एवरी होल नंबर कैन नॉट बी अ नेचुरल नंबर। आशा करता हूँ आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके कोई डाउट है तो कमेंट में बेशक पूछिए। और अगली पार्ट आपको जल्दी देखने को मिल जाएगी, तब तक के लिए